सपना। यूपी के शाहजहांपुर में स्वच्छता अभियान में अब तेजी आती जा रही है। खास बात यह है कि खुद जिलाधिकारी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यहां उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पहले जागरूक किया और फिर उन्हें हरी झंडी दिखाकर नगर में रवाना किया। साथ ही एक सरकारी अस्पताल में गंदगी की सफाई के लिए स्टाफ और मरीजों को जागरूक किया। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने पुवाया ब्लॉक के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को स्वच्छता के लिए पहले जागरूक किया और आज उसी स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों से सफाई रखने की अपील की। बच्चों की माने तो लोग अपने घर की सफाई करके बाहर गंदगी फैला देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने घर के साथ साथ बाहर भी सफाई रखें। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इसके बाद जिलाधिकारी सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां गंदगी देखकर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। जिलाधिकारी ने मौके पर अस्पताल स्टाफ और मरीजों के सामने सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बॉक्स का डेमो करवाया और लोगों को बताया कि गंदगी को एक निश्चित बॉक्स में ही डालें। साथ ही उन्होंने अपने सामने कर्मचारियों से सफाई भी करवाई। जिलाधिकारी का कहना है कि लोग स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ें और अपने आसपास सफाई करें। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अफसरों को चेतावनी दी कि अस्पताल जैसी जगहों पर गंदगी मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस उद्देश्य के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है जिस उद्देश्य के अनुसार ये कैंपेन चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही प्रथम दृष्टया दिख रही है। लेकिन अभी हमने, क्योंकि ये पूरा पखवाड़ा लोगों को मोटिवेट करने का, तो इसलिए हम अधिकारियों को एक चांस इसमें दे रहे हैं। हमने इनको मोटिवेट करा करके कैसे कूड़े का निस्तारण कराना ये बताया और एक हफ्ते का समय दिया है और सभी डॉक्टर्स हमारे तैयार भी हैं श्रमदान करने के और प्रेरित हमें करना है। लेकिन इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगर दोबारा आएगी तो इसके लिए हम शीर्ष स्तर पे CMO को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे।